किया था स्टार्ट? सर आपका इनकम टैक्स और जीएसटी का कोर्स लिया था सर मैंने। कितना टाइम हुआ है? सर अभी एक एक 2 महीना हुआ सर, फिर मतलब अभी चल ही रहा है आई थिंक, फिर कंप्लीट नहीं हुआ होगा आपका। वीडियो। अरे सो मतलब बहुत अच्छी बात है, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इतना। तो चैलेंजेस कैसे रहे थे आपके सामने? मतलब जब क्लाइंट को आपने समझाया होगा, बात करी होगी, तो क्या चैलेंजेस आए होंगे सबसे पहले? सर आपका मैंने वीडियो देखा था, आपने बोला था कि अगर आप किधर फंक्शन में जाते हो तो आपके विजिटिंग कार्ड वगैरह छपा हाँ के लेना, हाँ और जो फंक्शन आपको रिलेटिव मिलते हैं तो वो हाँ कार्ड आप उनको दे देना। तो बिल्कुल वैसे ही मैं कुछ किया सर। हाँ, ओके। और पहले से थोड़े शॉप थे मेरे पहचान के, तो उनको जब से जाके मिला मैं, तो मुझे लगा कि मार्केट में सर जरूरत है, अगर बंदा तैयारी का होगा तो हाँ उसके लिए काम है सर, बहुत काम है। बहुत काम है ना इस चीज को, रेडी हुआ। हाँ सर, मार्क खाली और अपने को प्रपोज करना पड़ेगा सर खुद से। हाँ सही बात है। और विजिटिंग कार्ड से सर, हेल्प मिली? एक हाँ सेकंड, सर, मैं हाँ बाकी सबसे भी बात करता हूँ अभी। विजिटिंग कार्ड से आपको बहुत हेल्प रहा ना? सर, विजिटिंग कार्ड से बहुत हेल्प हुआ। और मैं बताएं इनकम टैक्स के लिए क्या था सर, अभी लोन के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स के लिए, करेक्ट, लोगों को अगर रिटर्न नहीं होगा तो उनके लिए लोन के लिए बहुत दिक्कत होती है, बिल्कुल तो उनको सही से अभी लोग भी डरते हैं ना, अभी इनकम टैक्स बोले तो हमारे पे रेड पड़ेगी, राइट टैक्सेस राइट का राइट राइट लोचा लोचा लग जाएगा, तो इसलिए डर के लिए कोई इनकम टैक्स भरने के लिए तैयार नहीं होता। तो उनको सही से समझा देना कि हाँ अब ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा फायदा ये है, बहुत से डिफरेंट फायदे तुम्हारे फेस बेनिफिट वगैरह है, हाँ अगर उनको सही से समझा दोगे ना तो एग्री हो जाते हो फिर। और सोशल मीडिया का भी यूज किया आपने अभी? सर अभी तो फिलहाल तो नहीं, कि कोई सर नहीं इतना ही काम, 30 क्लाइंट को संभाल लेता सर, उनको टाइम नहीं मिल रहा सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है इतने शॉर्ट पीरियड में। असल और में आपको क्वेश्चन डालता हूँ ना सर, मैं आपको हाँ अगर कोई क्यूरियस मैं आपको डालता हूँ ना सर, मैंने हाँ आपने बिल्कुल बहुत सारे बार बिल्कुल जॉब दिया है मेरे, असल आपका कोर्स है सर बहुत जबरदस्त है सर, बहुत बेनिफिट मेरे को, तो एक्चुअली मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन सुधर गई है आपकी देखो कोर्स की वजह से। यही चीज है, मतलब एक पर्पस इसका कि पहले काम चालू था सर लेकिन सही गाइडेंस नहीं था हाँ और डायरेक्शन अच्छा नहीं मिलने की वजह से ना, यानी इतना ग्रोथ नहीं होता सर। अभी सर मैं एक और एक ठिकाने जॉब भी करता हूँ, हाँ हाँ भी सर, अभी वहाँ पे सैलरी मेरे को कम से कम करते हैं 18,000 तो सैलरी थी सर पहले, हर ठीक है। काम का लोड कैसा था, डाटा एंट्री जैसा, अकाउंटिंग टैली बिल वगैरह ये सबसे बड़ी सब प्रॉब्लम ये तो। होती है कि हाँ हमारे जॉब ना ग्रेजुएशन के बाद उस लेवल की नहीं मिल पाती है जो हमारी हाँ एजुकेशन नहीं मिल लेवल है, पाते। हाँ ऑपरेटिंग तो वर्क सर ही मिल पाता अभी है। नॉलेज, आपसे नॉलेज लेने के बाद ना सर, और आपने वो सर्चिंग का भी बोला है ना सर, कोई अगर दिक्कत हो तो गूगल पे जाके ये सर्च हाँ हाँ करो हाँ तो हाँ आपको हाँ उसका इन्फॉर्मेशन अच्छा मिल जाते हैं, करेक्ट तो सर इसकी वजह से मेरा नॉलेज का जो लेवल है ना सर ग्रो हो गया, और मेरे को अभी सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है, और बाहर के क्लाइंट्स भी है सर थर्टी ओके। अभी सर मेरे अभी कम था, कम है 35,000 अभी हो गए उन्होंने किया है बस मेरे को। अब मतलब अब और मन में आने लग गया होगा कि जॉब से हाँ बेटर सर, ये है। सर एक लेकिन एक दिक्कत हो गई है हाँ कि जो हमारे जो एडवोकेट है सीए, उससे थोड़ी दुश्मनी हो रही है सर। देखो वो कंपटीशन हर जगह, जब जॉब हाँ में होते बोलते हो हो तो हम वहां पे साथ हाँ में होते हैं। तुम हमारा काम छीन रहे हो बोल रहे हो। नहीं वो सब चीजें तो हमेशा रहेंगी, चाहे जॉब में हो चाहे आप तो कहीं पे भी हो, वो तो थोड़ा मैनेज करना ऐसे पड़ेगा। हाँ तो ऐसी दिक्कत हो रही है हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अब हैंडल कर देते हैं। लेकिन करेक्ट सर करेक्ट, अब अच्छा एक्सपीरियंस है सर आपके कोर्स में, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा। बेनिफिट हुआ सर। किसी को कुछ पूछना है असीम जी से? कोई भी पूछना चाहता है ऑडियो ओपन करके अपना पूछ सकते हैं। यस सर, हेलो। हाँ हेलो सर, हेलो। सर, अभी तो मैंने कोई ये कोर्स अटेंड नहीं किया है और मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ओके मैंने डिस्ट्रिक्ट में जो है अपने एक तरीके से ब्रांच ओपन कर दिया है, वहाँ ठीक है। पे जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे साइबर कैफे का, मिल चुका हूँ उनसे बातचीत, उन्होंने कहा ठीक है मुझे जो है जो काम आएंगे मैं आपको दूंगा। ओके बहुत अच्छा, डेफिनेटली कोलैबोरेशन कर बहुत सकते फायदा हो। है सर, असर की जो बातें हैं ना बराबर समझ में आते हैं। हाँ मुकेश जी आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। हेलो हाँ जी मुकेश जी आप बताइए, उनके ऑडियो में डिस्टरबेंस है, कोई नहीं बात कर लेंगे हम। और उसके ठीक है। हाँ ये हाँ बोलिए बोलिए। क्लाइंट को ये जीएसटी रिटर्न करने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदना जरूरी होता है? नहीं ऑप्शनल है, मर्जी नहीं है, नहीं मैं बताऊंगा उसका अभी आपको। मैं दो चीजों पे अभी डिस्कस करूंगा इसके बाद,
एक इंश्योरेंस आपके लिए इंश्योरेंस सेक्टर में जो है ना मतलब एकदम ड्रास्टिकली आपको रिवेन्यू जनरेट करके दे सकता है वो, अगर उसमें आप करियर बनाते हो, अभी मैं इसका डिस्कस करूंगा इसके बाद। और एक आपका ये जो जीएसटी सॉफ्टवेयर वाला डाउट आता है इसके ऊपर, ठीक है मैं अभी सेपरेटली इस पर डिस्कस करता हूँ।